हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 1830 रुपए के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ये अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी तकरीबन तकरीबन 33-34 रुपए ये अप रहा है। 1-2% के आसपास की रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में खरीदारी करने का क्या है, कि सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अभी 1830 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 19% का बढ़िया ग्रोथ है। 1530 रुपए का शेयर सीधा 1850 रुपए से भी ऊपर का हाई हालांकि इसने बनाया था, बाद में थोड़ी गिरावट आई, वापस तेजी की तरफ से आगे बढ़ रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 43% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि कोविड के चलते 880 रुपए तक शेयर टूट गया था, 880 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन उसके बाद फेसबुक की डील आई, एक के बाद एक रिलायंस जियो में एक के बाद एक नई डील आती चली गई और शेयर रॉकेट बन गया। जियो ने अगर हम बात करने जाए तो रिलायंस जियो ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है, एक के बाद एक नई डील आई है, जीरो डेट वाली कंपनी बन चुकी है, सारा का सारा कर्जा चुका दिया है, और तो और अगर हम बात करें तो राइट इश्यू ने भी बहुत बड़ा कमाल किया है यहाँ पर, तो कर्जा चुकता हो चुका है, और तो और जियो मार्ट भी आ चुका है, और उसके बाद जियो मीट, कई सारी चीजें यहाँ पर आ रही है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक स्ट्रांग पोजिशन में ला के रख रही है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 145% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखिए, 745 रुपए के आसपास शेयर था, एक बहुत बड़ी रैली आई, 1600 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन बाद में कोविड आ गया और कोविड के चलते शेयर में गिरावट आ गई, 880 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया बाउंस बैक यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी है, ये लार्ज कैप स्टॉक है, ये 11,40,000 करोड़ तक का इसका मार्केट कैप है। शायद ही कोई इंडियन ऐसी कंपनी होगी जिसका इतना बड़ा मार्केट कैप होगा, सबसे बड़ा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है ये, और तो और 1.5 करोड़ जितने इसके हमें वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिले, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि जून क्वार्टर में प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग जरूर गिराई है, 49% की होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिली है, जो पहले 50% हुआ करती थी। यहाँ पर हम देखें तो श्री चक्रा कमर्शियल सबसे बड़े प्रमोटर है, 10.94% की होल्डिंग है, 85 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है यहाँ पर, और आप देखिए एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। एफआईएस का डेटा एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन एफआईएस की भी बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर जरूर है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी, जिनके पास 5.87% की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर 8.44% है, 65% का डिविडेंड यह शेयर पे करता है, और इसी महीने इन्होंने डिविडेंड पे किया है, 2 जुलाई को इन्होंने डिविडेंड पे किया है, 6.50 रुपए का डिविडेंड पे किया है, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे जरूर किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इनकी दिखाई दे रही है, पी हालांकि थोड़ा हाई है, 39.99 है, लेकिन कंपनी इतने दमदार पोजीशन के ऊपर है कि उतना ज्यादा हाई भी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री पे 36 के आसपास है, बुक वैल्यू 706 के आसपास है, प्राइस बुक वैल्यू 2.59 है, ईपीएस 45.70 के आसपास है, और डिलीवरी तकरीबन 29 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 2% लोग होल्ड करने की बात है, मतलब 97% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग कह रहे हैं कि भैया बढ़िया शेयर है, खरीदारी करते जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। और उसका एक रीजन भी है, उसका रीजन यह है कि बहुत जल्दी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। एनुअल जनरल मीटिंग, आपको याद हो कि पिछले बार जब इनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तब भी मुकेश अंबानी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि 18 महीने के अंदर कंपनी जीरो डेट वाली बन जाएगी, और इनके सऊदी अरमाको की डील के बारे में भी बातचीत हुई थी, और शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई थी, बहुत बड़ी रैली। अगर इस बार भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो याद रखिए ये शेयर नए रिकॉर्ड्स बना सकता है, नए 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 रिकॉर्ड्स ये शेयर बना सकता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत जल्दी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग भी होने वाली है, हालांकि इस बार मार्च क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे, क्योंकि देखिए अभी भी इनका जो सबसे बड़ा पैसा है, जो रेवेन्यू है, वो अभी भी आता है पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग से आता है, और वहीं पर थोड़ा सा एक मामला यहाँ पर गड़बड़ा गया था कोविड के चलते हुए, क्योंकि अगर हम देखें तो जो कंजम्पशन है वो काफी कम हो चुका था, लोग अपने घर से बाहर नहीं जा रहे, तो ये सब सारी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे।
तो वो चीज भी हमें यहाँ पर याद रखनी है। और फिर भी 6,575 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जबकि इससे पहले कंपनी 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट करती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज है जो रिलायंस के फेवर में काम कर रही है। सबसे पहले रिलायंस जियो ने वाकई में इंडिया में झंडे गाड़ दिए और इवन इंडिया के बाहर भी एक काफी बड़ा नाम बन चुका है। अब फेसबुक के साथ इनकी डील हुई है, आईपीओ भी लॉन्च हो सकता है, वो भी इंडिया के बाहर इसका आईपीओ होगा, इसकी भी बातचीत चल रही है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो जियो के बाद अगर हम बात करें तो जियो मार्ट अगेन एक काफी रिवोल्यूशनरी हो सकता है। और खबर भी ये है कि जियो मार्ट को प्रमोट करने के लिए व्हाट्सएप का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, पहली चीज ये। दूसरी चीज अगर हम बात करने जाए तो जियो मार्ट बहुत सारी कंपनियों को टक्कर दे सकता है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। जियो मीट भी लॉन्च हुआ है जूम की तरह, तो एक के बाद एक नई चीजें, नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, वो काफी बेहतर चीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। एक सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर में ये लोग अपने पैर फैला रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में काफी ज्यादा दमखम देखने को मिल रहा है। और आप खुद देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग एक्चुअली अगर हम बात करें ब्लूमबर्ग में तो थोड़ी कम थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को अभी भी बढ़ा रहे हैं, 50% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 23.70% की होल्डिंग 24.91% देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग जहाँ है वहीं पर है, 5.36% की होल्डिंग 5.13% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.80% की होल्डिंग थी, 6.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है और मुझे लगता है कि खरीदारी की है तो बने रह सकते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। रीजन ये है कि अभी भी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है और कुछ बड़ा धमाका उस वक्त हो सकता है, अगेन एक बड़ा धमाका वहां पर हो सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये शेयर 2,000 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, तो खरीदारी की है तो बने रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि नजरिया आपका लंबी दूरी का यहाँ पर होना चाहिए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।